और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां छतरपुर के महाराजपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला गढ़ी मलहरा थाना के श्यामरा गांव का है, जहां युवक का नाम राज बहादुर तिवारी बताया गया। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया कि 16 फरवरी को राज बहादुर के साथ गांव के ही पप्पू दुबे, सत्यम दुबे और रवि दुबे ने पुरानी रंजिश में मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इनका आरोप है कि गढ़ी मलहरा थाने में भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। इधर पुलिस ने आरोपों से इनकार कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। लोगों ने मारपीट की थी और मारपीट करने के बाद में उनके यहाँ पर राज बहादुर ने रिपोर्ट लिखाई थी थाने में, उस पर से जो है मुकदमा काम हुआ था। धारा 234 ताजी राशि के अंतर्गत मुकदमा काम करके विवेचना में लिया गया। अब ये जो है राज बहादुर जो है घायल था, चोटिल था, उसको जो है डॉक्टर मुलाजा कराया था और ये जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था, वहाँ से ये रिफर हो गया ग्वालियर के लिए। अब कल ही रात में जो है इलाज के दौरान ग्वालियर सरकारी अस्पताल में जाया, उस चिकित्सालय में इलाज के दौरान खत्म हो गया। तो उस संबंध में जो है ग्वालियर कंपू थाने से मेरी बात हुई है, वहाँ पे मर्ग काम हुआ है और लाश का जो है पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग डायरी जैसी प्राप्त होती है, हमने जो आरक्षक रवाना कर दिया है उसको डायरी लेने के लिए, जो डायरी जैसी आ जाती है उसमें धारा 302 इजाफा की जाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जल्द किया जाएगा।